अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम ब्लगर का फर्स्ट यूजर इंटरफेस देखेंगे और ब्लगर का अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करें, यहां पे आप टाइप करें गूगल। गूगल टाइप करने के बाद अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन हैं, जैसे कि मैं ब्लगर ट्रेनिंग 102@gmail.com मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ, तो आपके पास यहाँ पे देखें एक बॉक्सेस आ रहे हैं गूगल एप्स के, इस पर आपने क्लिक करना है। आपने मोर पे क्लिक करना है और मोर पे आपके पास यहाँ पे देखें तो ब्लगर का ऑप्शन है, आप ब्लगर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, गूगल प्लस प्रोफाइल एंड ब्लगर प्रोफाइल। इसी तरह अगर आप यहाँ पे blogger.com एंटर करते हैं तो आप डायरेक्ट इसी प्रोफाइल में आ जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन है, प्रोफाइल ऑप्शन में गूगल प्लस प्रोफाइल एंड ब्लगर प्रोफाइल। गूगल प्लस जो होता है आपका एक पेज क्रिएट हो जाता है जो कि गूगल का होता है, अगर आप वो क्रिएट करना चाहें आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि ब्लगर की ट्रेनिंग बना रहा हूं तो मैं ब्लगर यहां पर ऐड करना सीखूंगा। ब्लगर प्रोफाइल पे आपने यहां पे क्लिक करना है, क्रिएट अ लिमिटेड ब्लगर प्रोफाइल, क्लिक करें यहां पे। अब ब्लगर प्रोफाइल का कह रहा है डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए, मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं ऑनलाइन डिप्लोमा, कंटिन्यू टू ब्लगर, ऑनलाइन डिप्लोमा ब्लॉग्स आपके पास यहां पे आ गया। अब ये ओनली प्रोफाइल है, आप न्यू ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो न्यू ब्लॉग ऐड करने के लिए आपने यहां पे न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। न्यू ब्लॉग, आप एक जीमेल के अकाउंट से काफी सारे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। मुझसे ये टाइटल मांग रहे हैं कि टाइटल क्या दें आप, जैसे कि आपका अपना, जैसे कि आप देखें तो ऑनलाइन डिप्लोमा .pk एक आपके पास यहाँ पे, ये देखें ये कंप्लीट एक URL है। इसी तरह आपने यहाँ पे देना है टाइटल, इसका देना है टाइटल। देने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन डिप्लोमा के नाम से एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो ऑनलाइन डिप्लोमा टाइटल मैंने दे दिया, या यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखें टाइटल है 100% फ्री ऑनलाइन हार्डवेयर। अब यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस आपने यहाँ पे वो देना है जो कि URL होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका URL है onlinediploma.pk, आपने यहाँ पे इसी तरह एड्रेस देना है। एड्रेस में यहाँ पे देता हूँ इसको onlinediploma.blogspot.com। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको जो ब्लॉगस्पॉट या कोई भी ब्लॉगर जो होता है वो क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन और होस्टिंग नेम प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो आपके जो आपका जो भी यूजर नेम होगा उसके साथ अपनी सर्विस जो होती है, जिस तरह ब्लॉगस्पॉट एक सर्विस है, ये अपना ऐड कर लेगा यहाँ पे नहीं। अब onlinediploma.blogspot.com कह रहा है कि ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं onlinediploma.pk.blogspot.com ऐड कर लेता हूँ, कह रहा है ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। onlinediplomaforyou.blogspot.com ये आप यहाँ पे ऐड है, आप इसको ऐड कर सकते हैं onlinediplomaforyou.blogspot.com। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें काफी सारे टेम्पलेट्स दिए हमें, लगा रही काफी सारे टेम्पलेट्स दिए हमें। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ट्रेवल से रिलेटेड ऑसम है, वाटरमार्क, काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हमें इसने, तो मैं फिलहाल सैम्पल टेम्पलेट जो है इस पे, या फिर डायनामिक व्यू है यहाँ पे, इसके अलावा पिक्चर विंडो है, मैं पिक्चर विंडो वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करके क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। ब्लॉग आप देखें ब्लगर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, तो ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब आप पास यहाँ पे ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का ब्लॉग आ गया, और इसका यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप पास इसका ये कंट्रोल पैनल इसका आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू पोस्ट, कोई पोस्ट आप क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और व्यू है, पोस्टर्स हैं, पेजेस यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट्स यहाँ पे सारे कंप्लीट कमेंट्स वगैरह, और कमेंट्स को आपने कैसे
अप्रूव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सारे सेटिंग यहाँ पे। स्टेटस है, अर्निंग है, अगर आपने एडसेंस का अकाउंट लिया हुआ है तो एडसेंस के अकाउंट के लिए आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं या अपने एड्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कंपेनिंग से है, लेआउट है, टेम्पलेट्स है एंड सेटिंग्स है। तो ये सारा यहाँ पे आपका इसका लेआउट है, कंट्रोल पैनल है, जिस जो कि कंप्लीट हम इसी के ऊपर कंप्लीट काम करेंगे। तो ब्लॉगर पे एक सारा का सारा काम इसी चीज के ऊपर होता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ गया व्यू ब्लॉग। आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, आपकी ब्लॉग ऑनलाइन डिप्लोमा फॉर यू डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो कि हमने इसका टाइटल दिया था। टाइटल चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिप्लोमा में टाइटल्स को देना चाहते हो तो आप ऑनलाइन डिप्लोमा को टाइटल दे सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की जगह इसका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ से बैक जाएंगे या इस ब्लॉग पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे आप यहाँ पे एडिट है, क्रिएट न्यू पोस्ट है, और इस पे क्लिक करके तो आप यहाँ से इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ। क्रिएट न्यू पोस्ट है और यहाँ पे चलिए इस पर हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे आप इसको कैसे इसमें दोबारा चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें चेंजिंग करने के लिए आप यहाँ से लेआउट में जाके यहाँ से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, टेम्पलेट्स में जाके भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेआउट में सारी चेंजिंग यहाँ पे देखें, जैसे कि हेडर है आपके पास फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इस पर आप हेडर पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लेआउट पे काम नहीं कर रहे, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। ब्लॉग टाइटल में यहाँ पे फिलहाल चेंज ही कर लेता हूँ, ऑनलाइन डिप्लोमा सेव। अब व्यू ब्लॉग पे जाएं, जाके देखें ऑनलाइन डिप्लोमा यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ से टाइटल्स का चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने इन चीजों के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेसन में हम इसी इसकी सेटिंग्स और इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।